सेंट मैरी स्कूल मेरे सामने है, NH 74 ये रहा था पहले से, NH 74, और अब हो गया 4 लाइन NH 734, तो बाईपास बन गया है। यहाँ सब सफ़ेद कार आ रही है, ये NH 734 है, और जहाँ पे ये गाड़ी जा रही हैं और ये जिधर से बस आ रही हैं, ये है NH 74 पुराना हाईवे। ज़बरदस्त ट्रैफिक, ज़बरदस्त मौके की वो जगह दिखाने जा रहा हूँ मैं, और ऐसा टी पॉइंट है, चारों तरफ से घिरा हुआ सड़कों का जाल। सेंट मैरी स्कूल के ठीक बराबर से भी पीछे गाड़ी देखो आ रही है, वो रास्ता नीचे गया है, और इधर कई ऐसे होटल रेस्टोरेंट बन चुके हैं। मैं ख़ास तौर से ये बताना चाहता हूँ, बड़े स्तर के यहाँ पर 3-4 रेस्टोरेंट तो बन चुके हैं, अभी कुछ दिन पहले उद्घाटन हुआ है उनका। ऐसे 1 किलोमीटर के अंदर अंदर पूरा व्यापारिक मामला इतना ज़बरदस्त हो चुका है। आगे टोल प्लाजा है, थोड़ी दूर के बाद टोल प्लाजा है, जैसे 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर ये कार जा रही हैं। ये हाईवे NH 734 4 लाइन बाईपास है, ये मैं बात कर रहा हूँ, लोकेशन ऐसी लोकेशन दिखा रहा हूँ जो जिस प्लॉट को मैं दिखाऊँगा जो गाड़ी का आप देख के आपको तब खुश हो जाएगी, अच्छा लगेगा कि हाँ काम का प्लॉट है। मैं इस वक्त नगीना में हूँ, मैं मास्टर सराफत हुसैन, सहारा प्रॉपर्टी, 97-56-28-67-51। मैं मास्टर सराफत हुसैन, 97-56-28-67-51। मेरा एक चैनल है सहारा प्रॉपर्टी 50 के नाम से, जो मैं यहाँ इस चैनल पे लोगों के उनकी मर्ज़ी अनुसार, उनके कहे अनुसार उनकी वीडियो बनाता हूँ, उनकी प्लॉट होगी, ज़मीन होगी, मकान होगी, और जैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ मैंने वीडियो डाल रखी हैं। और अब मैं ये कह रहा था, सुहाना मौसम है, आज बारिश होने वाली है, बारिश होने वाली है, बहुत जल्दी होने वाली बारिश। मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ भैया, बता देना। ये सामने प्लॉटिंग हो चुकी है, काम चल रहा है। मैं जिस प्लॉट की बात कर रहा हूँ, ये 500 वर्ग गज का है, जिसमें ये 6, 2, 2, 4, 5, 6, 8 कॉलम खड़े हैं, पिलर खड़े हैं इसमें सीमेंट के, ये दीवार हो रही है सभागर में, और यहाँ पर भी पीछे भी जगह छुटी हुई है, और आगे हाईवे है। ये 500 वर्ग गज का है एक सिस्टम, यहाँ पर जो भी काम करेंगे आप, ये है वो जगह। अच्छा एक और बात बताएं कि सब पीछे गांव कोटरा है, कोटरा गांव है, और आपने भी देखा कि अभी साइड में इधर अभी कार गई है, रास्ता है ये अंदर के लिए जाने का, जैसे अभी ये 10 बाइक आ रही है, ये भी चौड़ी रोड है, लेकिन इतनी चौड़ी नहीं जो हाईवे वाली हो, लेकिन हाँ चौड़ी रोड है, बड़े से बड़ा ट्रक डंपर वगैरह कुछ भी जा सकता है, नहीं 40-45 फीट की चौड़ी रोड है। गांव सटा हुआ है, मिला हुआ है, बराबर मकान बना हुआ है। आगे की तरफ ये रामलीला ग्राउंड है, यहाँ से 0.5 किलोमीटर की दूरी पर रामलीला ग्राउंड है, नगीना है ये रामलीला ग्राउंड, नगीना रामलीला मोड़ भी बोलते हैं आगे चल के। और यहाँ पर ये भूमि, ये जगह व्यापारिक
ठप बन चुका है पूरा क्षेत्र। आप किसी को भी कोई बात करनी हो, मैं इसके मालिक का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए वो कार निकल गया है अंदर से, ये अंदर ये इधर से भी पूरी ये जो निकल गया ये गाड़ी जहाँ से, ये सड़क भी पूरी ऐसी बाहर से बाहर होते हुए आगे की तरफ जा कर के 2-4 किलोमीटर घूम के ये इसी हाईवे पे फिर आ जाती है। मैं अपनी बात को फिर से बता दूं कि मैं एक मेरा चैनल है सहारा प्रॉपर्टी 50 के नाम से, अपनी जानिब से प्रॉपर्टी लेने वाले और प्रॉपर्टी स्वामी के बीच की वार्ता को कराने की कोशिश करता हूँ। मोबाइल नंबर देता हूँ, उनके एक दूसरे से संबंध जुड़े, बात हो, यही मेरे प्रयास रहता है हमेशा। सहमति है आपस में, खूब लीजिए दीजिए करिए, मुझे खुशी होती है, अच्छा लगता है। मैंने बहुत दूर तक की यहाँ प्रॉपर्टियों को अटेंड करता हूँ लोगों से, और जो आप लोग भी कोई अपनी प्रॉपर्टी का मेरे माध्यम से चुकाने में सहयोग करवाना चाहते हैं, बात कराने की चाहते हैं, तो मैं करने को तैयार हूँ, मैं रेडी आई एम एग्री। और मेरा जो पॉइंट है वो हल्द्वानी से लेके नगीना धामपुर तक, इधर दिल्ली से लेके नगीना धामपुर तक, और देहरादून से लेके नगीना धामपुर तक, ये वो जगह है जहाँ मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर हर तरह के उत्तराखंड की बसें भी आ रही देखी जा रही है हरिद्वार वाली, और ये सारा सिस्टम जो है इतना बढ़िया है, हर तरह का व्हीकल वाहन हर चीज़ यहाँ पर आने जाने अवेलेबल है, बड़ा फेमस जगह है ये। सुपरफास्ट ये काशीपुर जा रही है यहाँ से नगीना से काशीपुर बस, ये प्लॉट है। इसके लिए खूबी बात यह है, प्लॉट के और हाईवे के बीच में काफ़ी सारी जगह आपको आपके वाहन खड़े होने के लिए बहुत सारी जगह छूटेगी, जो ऑलरेडी वो निशान लगा रखा है NH की जगह छोड़ने के बाद ही आपको जो बैनामा है इसका पैवा आके देखिए, देखेंगे बात करेंगे, कागज़ देखिए, और सब कुछ होने के बाद ही आपसे मालिक में लेन देन करेगा। आप तो खूब जानते हैं, समझदार हैं आप सभी लोग, देखिए धुआं कितना खड़े होगा अंदर से भी, जो मैंने बता रहा हूँ यही रोड जो है उधर से घूम के भी जाती है, कुछ लोकल के लोगों जिनको जानकारी है टोल से बचने के लिए भी कुछ आना जाना करते हैं लोग, बाकी रोड में कोई कमी नहीं, ट्रैफिक में कोई कमी नहीं, VIP लोगों में कोई कमी नहीं, और आप लोगों भी से यही है कि आप अपने साथी कोई अपने प्रॉपर्टी वाले से मैं नंबर दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और बात कीजिए जो भी आप लेना चाहें, बात करना चाहें, रेट आपके मालिक के बीच के माध्यम से मध्यस्थता है अपनी, बिक्री का है, अच्छा है, बेच रहे हैं। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी हैं इसके मालिक, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, जनरल भूमि है ये भूमि, जनरल भूमि है, जाट है भैया जी, और कागज़ को एक दूसरे के नाम होने में जो दिक्कत आती वो नहीं है यहाँ पर, इसमें ज़मीन में बहुत साफ सुथरा मामला है। ठीक, ओके, थैंक यू। मेरा फिर अंत में यही बात कहूँगा, ये 500 गज का प्लॉट है, 45 फीट का इसका फ्रंट है, 45 फीट का फ्रंट है इसका, आगे से हाईवे, पीछे से भी रास्ता है, एक जगह छुटी हुई है वो है इसके अंदर, अभी तो खेत में जोत रखा है लेकिन वो है, आपको रास्ता मिलेगा उसमें। आज मौसम इतना शानदार है कि सुहाना मौसम है, बादल हो रहे हैं, बारिश होने ही वाली है, और मैं आप लोगों से अपनी बात को अंत में कहते हुए, मैं मास्टर सराफत हुसैन,
97 56 68 67 51। अब बात करें और मैं भैया जी का नंबर डिस्क्रिप्शन तो डाल ही दूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मेरे हाथ में है इस टाइम में बता दूं, मिस्टर वीरेंद्र कुमार जाट भैया जी, उनका मोबाइल नंबर है 86 50 65 78 86 86 50 65 78 86 8605065 7886। श्री वीरेंद्र कुमार डॉक्टर हैं, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, और गांधी से बड़े जाट हैं, भले आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, बात कीजिए उनसे, मैं सब कुछ बता दिया आपको। थैंक यू।